गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म लीला पर कृष्ण विष्णु पाद शोधर सत श्री ठीक है श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि शांतांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म निकलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यदि भागवत कथा से पहले आती है किसकी महात्मा, यदि जो महात्मा ये दो पुराण में एक महात्मा बनना आती है, एक पद्म पुराण और एक है स्कंद पुराण, तुम लोग इसकी कथा अच्छे तरह से पढ़ते रहना, ठीक है। मैं उसकी कथा नहीं सुनाऊंगा तुम लोग से, मैं होगा तो कल तुम लोग पढ़ते जाना पद्म पुराण और स्कंद पुराण की मस्त करते रहना। और जो स्कंद पुराण की जो कथा है बहुत प्यारी कथा है, संपूर्ण ब्रज की कथा है। जब मथुरा में एक समय गुरुदेव भागवत कथा वहाँ पर हुई थी, गुरुदेव ने विशेष करके पद्म पुराण की कथा नहीं सुना करके उन्होंने स्कंद पुराण की कथा सुनाई, क्योंकि स्कंद पुराण की जो कथा है वो संपूर्ण ब्रज में ब्रज की प्रति आधारित वो कथा है, बहुत अच्छी कथा है। कल तुम स्कंद पुराण की तुम कब कथा सुनाना और आप लोग पद्म पुराण पढ़ कर जाना, अकुल ब्रह्म कल पद्म पुराण की कथा पढ़ कर जाना, ठीक है ना। अच्छे तरह से जो मैंने श्लोक उसको इसलिए श्री विश्वनाथ हाँ अभी प्रश्न होता है, देखो ये भागवत की इतने महिमा कारण क्या है, कारण बताए कि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कब उन्होंने श्री व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ कब रचना की, तभी उन्होंने रचना की जब उन्होंने सारे पुराण को रचना कर चुके थे, लेकिन तब भी मन में उनको संतोष नहीं, बैठ करके सोच रहे हैं सरस्वती नदी किनारे में, मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ तो मैंने बनाई लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिल रही, लगता है इसमें कुछ कमी है। तब भगवत इच्छा से वहाँ पर श्री नारद जी आते हैं और नारद जी आ करके उसमें कमी किसी चीज की, फिर वो कमी चीज को मैंने बताते हैं कि यथा धर्म दयाचा था मुनि पर ज्ञान कीर्तित न तथा वासुदेव समहिमा जनवर्तित। बोले देखो व्यास, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब धर्म को तुमने जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन उतना तुमने भगवान की महिमा को जश्न तुमने नहीं गाया, इसलिए तुमको शांति नहीं मिलती। इसलिए हमारे महाराज कहते हैं भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज विशेष बात कहते हैं, वो कहते हैं व्यास जी को तुमने ये वर्णना किया कृष्ण कैसे पराग परम ब्रह्म पराग पर तत्व होते हुए भी कैसे उन्होंने सखाओं को झूठन को कैसे छिनी छिनी कर खाते थे, सखाओं को कोई फल मिला तो पहले खा लेते थे, बोले कन्या फल बड़ा मीठा है तो अकेला खाओगे, कृष्ण छीन करके उनके हाथ से झूठे फल खाते थे और श्रीराम कृष्ण को पछाड़ देता था और उसको घोड़ा बना देता था, मैया यशोदा के प्रेम में कृष्ण वशीभूत होकर के उखल में बन गए, मैया उनको कान पकड़ करके झूठे चोर लवारा बोल करके शासन करती थी और कृष्ण परम ब्रह्म होकर कैसे रासलीला में कृष्ण कैसे कहते हैं नपारे आम निरबद्ध संजुजा स्वसाद उपरीत बुद्धाई साधी ब्रज गोपियों, ब्रह्मा जैसे परमायु ले करके भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकता, तुमने ये देखे हो कृष्ण पराग पर तत्व होते हुए भी जब सेवा को जब राधा रानी मान करती थी कृष्ण अपना मोर मुकुट उतार कर रख लेते थे, बोले क्यों, बोले मेरा नाम जो नटवर है क्यों, इसलिए मैं मोर को धारण करता हूँ, मोर का नृत्य बड़ा सुंदर नृत्य है, इसलिए मेरे सारे नृत्य विद्या की जो कला राधे तुम्हारी चरण में है, अपना बंसुरी उतार कर रख लेते थे, बोले क्यों, बोले विश्व ब्रह्मांड को जो मोहित करता हूँ
मुरली ये बंसी ध्वनि के द्वारा ही ये विश्व ब्रह्मांड मैंने मोहित करता हूँ। ये बंसी की जितने सारी करामत है राधे तुम्हारी चरण संकल कृष्ण अपने नाम को भी चरण में लिख लेते थे मेरे नाम की धन्य हो जाए। गुरुदेव कहते कितनी सो बात लिखी हो, बोले नहीं लिखा अपने शांति के इसलिए तो शांति तुमको मिल रही है। तो ब्रज की कथा तुमने सुनाई, अब ब्रज की कथा ही सब कुछ ब्रज की कथा है। कृष्ण तो जगत में इसलिए आए जता जता धर्म से इसी के लिए नहीं आए। कृष्ण तो स्वयं में कैसे भक्तों का प्रेम में कैसे संपूर्ण रूप में बसीभूत हो जाता हूँ ये चीज को दिखाने के लिए कृष्ण आए जगत। तुमने तो ये चीज लिखा है तुमको शांति का आ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न होता है भागवत का वर्णन करते ना कि जब उन्होंने सारे ग्रंथ को लिख चुके थे तभी उन्होंने भागवत ग्रंथ बनाया। लेकिन अभी प्रश्न होता है उसको पहले तो पद्म पुराण लिखी जा चुकी थी, उसको पहले तो स्कंद पुराण लिखी जा चुकी थी ना, लास्ट में भागवत ग्रंथ बनना थी। जैसे एक व्यक्ति का महिमा का प्रकाश होता है जब जन्म ग्रहण करके जो बड़े हो बढ़िया कोई काम करता है तभी उसकी महिमा जगत में प्रकाशित होता है, तभी तो प्रकाशित होता है ना। अभी प्रश्न होता है फिर भागवत का अंतिम ग्रंथ लास्ट में प्रकाशित किया, फिर पूर्ववर्ती ग्रंथों में ये पद्म पुराण स्कंद पुराण में फिर कृष्ण की ये भागवत की महिमा पर ये प्रश्न होता है इस पूर्व ग्रंथ में ये भागवत की महिमा कैसे आ गई। तो उसकी समाधान देते हैं कहते नित्य सिद्ध भागवत, उसमें क्या क्या बोला नित्य सिद्ध भागवत ये जो भागवत ग्रंथ है कभी ये व्यास तथा का लिखित ग्रंथ नहीं है, कभी ग्रंथ तो उन्होंने ध्यान के द्वारा उन्होंने भागवत दृष्टिकोण में देखा। जब उन्होंने भक्ति योगेन सम्यक प्रणीत अमले अवश्यम पुरुषम पूर्णम आयांत चर अपाश्रय, जब भक्ति योग समाधि के द्वारा समाधिस्थ तो हुए उन्होंने संपूर्ण लीला में दर्शन किया। लेकिन जो भागवत ग्रंथ ये नित्य है ये सिद्ध है ये अनादि काल से ये ग्रंथ विद्यमान है। लेकिन जैसे कृष्ण कहते ना जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अद्भुतान धर्म से तदात्मान सृजाम्यः, इसका मतलब क्या भगवान पहले पूर्व अवतार था नहीं, नरसिंह अवतार था नहीं, रामावतार था नहीं, इसलिए श्री रूप गोस्वामी लघु भागवत ग्रंथ में कहते हैं सर्व नित्य शाश्वत जितने अवतार है मत्स्य कुर्म ये सब देश नित्य है। लेकिन जब जब जरूरत होता है तब तब इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, तब तब जगत में कृष्ण नित्य राम नित्य वामन नित्य नारायण नित्य ही है। लेकिन जब जब जरूरत होता है जगत में प्रकाशित होते हैं, इसका मतलब ये भागवत ग्रंथ नित्य है, ये भागवत ग्रंथ नित्य है भागवत ग्रंथ। लेकिन प्रकाश होने के लिए इसको एक निमित्त बनाते हैं। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चौधरी कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं उसको चार दृष्टिकोण से ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। किसी ग्रंथ की महिमा को अगर हम समझना चाहते हैं बोले पहला नंबर क्या बोले अधिकारी, बोले भागवत ग्रंथ सुनने का अधिकारी कौन है, ये पहला नंबर है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लब्धम, फिर भागवत को कब लाभ करते हैं कब सुनने का सौभाग्य होता है कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर का कोई सौभाग्य उदय हो तभी भागवत कथा सुनने को तो प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई बोले भैया आप कह रहे हो जन्मांतर भवेत पुण्यम हम तो कोई पुण्य किया ही हम तो बहुत बड़े पापी है हम तो बहुत बड़े पापी है फिर क्या भागवत कथा हम नहीं सुन सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं धुंधुकारी कथा, यहाँ पर उदाहरण देते हैं धुंधुकारी कभी धुंधुकारी मतलब क्या धुम धुम करो देखिए धुंधुकारी कभी जो धुंधुकारी है ना जीवन पर जो मचला दे है जीवन पर जो एकदम मचला दे जीवन पर दुखी दुखी कर देगी धुंधुकारी। धुंधुकारी कितना बड़ा पापी था और धुंधुकारी कथा सुनाने जा रहे थे ना कभी इतना दुष्ट ये धुंधुकारी
ये कुत्ते को साथ में दिन भर रहता था, उसको साथ में खाना खाता था, किसी बच्चे को कुएं को पास में देखो तो धक्का मार के कुएं बिछड़िया देता था, किसी घर में आग लगा देता था, हैं, किसी घर में आग लगा देता था, ऐसे सांप मछली 10-20 शिकायत कर, तेरे बेटा ऐसे कर दिया, तेरे बेटा ऐसे कर दिया, तेरा बेटा ऐसे कर दिया। जो उसने इतने दुखी दुखी आत्मदेव साधुओं ने समझाया, अगर देख बेटा संतान से कोई सुखी नहीं होते, तुम जो संतान संतान कहते हो ना, ये संतान से कोई सुखी नहीं होते हैं, पता है ना, चित्र के तुम्हारा नहीं कितना, एक करोड़ उन्होंने पत्नियों को शादी किया एक बच्चे के लिए, लेकिन एक बच्चा ऐसे हुआ कर्म को दुखी दुख कर दिया। सगर महाराज के 10,000 बच्चे थे, कपिल मुनि के अभिशाप से सब खत्म, कोई सुखी हुए, कोई सुखी हुए, इसलिए बच्चे से सुखी नहीं, बल्कि बच्चा नहीं होने पर एक दुख है, लेकिन बच्चा होकर के अगर आदेश को पालन नहीं करता है, बात नहीं सुनता है ना, जिंदगी भर उसको दुख उठाना पड़ता है। बेटा नहीं तो एक दुखी, बेटा नहीं बेटा नहीं, अजीब को बेटा जाकर पूछ लो, सुखी हो, बात नहीं सुनता है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, उल्टा पुलटा जिंदगी भर उसको सुखी देता है। तब तुम कहते हैं ना, लगता है पूर्व जन्म का शत्रु ही मेरा बेटा बन गया है, कहते ना पूर्व जन्म का शत्रु ही ये बेटा बनने के लिए प्रतिशोध, अपनी बात सही है कि प्रतिशोध, उनको समझाए भजन करो, क्योंकि भजन में भक्ति में ये बोले नहीं, भजन जीवन तो बड़ा सुखा जीवन, अकेला अकेला बैठ कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण क्या ये बड़े आनंद है, कुछ बीवी नहीं बच्चे नहीं, बीवी हो तो कितने मीठी मीठी बोली बोलती है, बच्चे हो तो सतुरी सतुरी पापा पापा मामा मामा बोलते, कितने कितने आनंद है, हरा भरा जीवन है, उसको हरा भरा जीवन है संसार में है। लेकिन वो साधु ने क्या बोले, बोले एक जीवन क्या, मैं तो देख रहा हूँ तेरे 7 जन्म तो कोई बच्चा होने वाला नहीं, बोले हे भगवान एक जीवन में इतना दुख, कहते 7 जन्म तो कोई बच्चा नहीं होगा, हे भगवान। इतने में बोले बाबा जब आप कर सकते हो सब कुछ, बात चरण पकड़ लेते, मैं तो आत्महत्या कर दूंगा आपको सामने, मेरे को बच्चा लेना पड़ेगा है, बोले 7 जन्म तो बच्चा है नहीं, खैर उन्होंने पेट से फल लेकर दिया है ना, बोले क्यों, वो तो स्वयं बोल के 7 जन्म तक तेरे घर में बच्चा ही होगा, फिर पेट से फल लेकर मैं देने का क्या जरूरत था, तो बोल दिए 7 जन्म तक तो बच्चा नहीं होगा, उनको पता है ये फल तो दे रहा हूँ, जब फल खाएगा किसको पता, ऐसे कब पत्नी फल नहीं खाएगी और भैया तो खिला देगी, उसको पता है भैया तू साधु ना सब जानता है, वो खाएगा नहीं फल को, देख रहा हूँ खाएगा नहीं फल को, इसलिए खिला देगी किसको, खिला देगी भैया को खिला देगी, इसलिए उनको पता था, इसलिए फल तो दे दिया उनको है, फल तो उनको दे दिया फल, इसलिए उन्होंने इसलिए कहते इसका जो जीवन है जो पूरा जीवन को जो मचला दे, इसलिए कहते इतने पापी था, लाख में इसने क्या किया, पिताजी को इतने सताया, इतने, इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर भाग्य में तुम्हारी बेटा है ना, जोर जबरदस्ती मत करो, जोर जबरदस्ती मत करनी चाहिए, भगवान जो दिया जितना लाभ में संतुष्ट रहो, भगवान की इच्छा से इच्छा मिला करके रहो, ज्यादा संतान के लिए छटपट छटपट मत किया करो है, इसलिए भगवान की इच्छा से इच्छा मिला दो, इच्छा मिला करके इसलिए उनको इच्छा अपनी इच्छा को इच्छा मिला करके क्या करो, बस इच्छा से इच्छा मिला दो, अगर संतान नहीं तो भगवान भी बेटा बना लो ना, ठाकुर जैसे बेटा दुनिया में इतने सुंदर बेटा होगा कोई, हम तो सुना है कृष्ण स्वयं कहते हैं जिसने सारा जीवन कृष्ण सेवा करेगा, सारा जीवन जो कृष्ण सेवा करता है अंतिम समय में जो वो असमर्थ हो जाता है, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर स्वयं कहते हैं कृष्ण को उसको सेवा करना पड़ेगा, कृष्ण को करना पड़ेगा, क्यों जिंदगी भर उसने भगवान की सेवा की, अंतिम समय में इनका सेवा कौन करेगा, ठाकुर को करना पड़ेगा, इसलिए उनको ऊपर में विश्वास रख करके क्या करो, भगवान को भी बेटा मान लो, बेटा मान के उनकी सेवा करो, ऐसे बेटा दुनिया में कोई होगा, जैसे बेटा कोई होगा नहीं, इसलिए बेटा मान लो, इसलिए सुना है नहीं, इसलिए लास्ट में क्या क्या सुने, पिताजी को इतने पिता इतने दुख दिया, पिता तो भाग गए, और जो मैया धोखा दी थी बहन को बेटा को लेकर के बेटे रूप में पालन की, ए माँ को पिताजी गिर गए, बताओ कहाँ पर पिताजी पैसा कहाँ रख कर गए,
बता पैसा तो सरासी का मांस का था ऐसे पिटाई की मां बना कुल दान उसने आत्महत्या कर दी हुए और उसने छह छह पैसा तो मैंने लेकर आए कि जो जीवन है ना ये हमारी जीवन है हमारी बैठी छह पैसा है हमारी भी चक्षु करना नाती का जो सोचा है जो एक जो बेस्या है सबके साथ है उसने बेस्या को लेकर घर में पालन करने लगे छे छे बेस्या कोई बड़ी साड़ी दो कोई बड़ी लिपस्टिक दो कोई बड़ी क्रीम दो कोई बोले हमें गहना दो छे छे बेस्या को अपने घर में छे छे बेस्या को पालन किया। उसके बाद में क्या दी जब राज दरबार में डाकू डाल करके पैसा लाए पूरा से पूरा तो भले सवेर होते सीआई लगेंगे तो अगर पकड़े गए ना सबसे सब जेल जाएंगे। छह पैसा पकड़ लिया राजा गले पर से लगाए दोनों हाथ उनको थे उस प्यार को पकड़े और जलते हुए अंधार को उसको मुंह में ठोस ठोस कर जितने बुरी तरह से उसको मारे लाश प्रेत प्रताप मिला। जो घर में गोबर में आया जितना प्रेत बनकर बैठा हुआ बोले तेरे नाम पर गया तो पिंड भी तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप इतना मैंने पाप किए मेरे नाम पर एक बार पिंड में अगर 100 बार भी पिंड दो बोले मेरे उधार होने वाले 100 बार गया में भगवान की चरण चिन्ह है वो गया नहीं था भगवान को छाती को पहले अपना चरण चिन्ह रखा हुआ है इसलिए भगवान का दरदार एक बार गया में कोई जाए एक बार पिंड दे देना भगवान का वरदान है तो सारे पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये धुंधुकारी क्या कहता है बोले भैया बोल तेरे नाम पर पिंडा दे करके आए बोले मैं इतना बड़ा पापी हूँ मेरे नाम पर 100 बार भी पिंडा दे दो ना 100 बार भी पिंडो दो मेरे नाम पर तो मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा पापी लेकिन इतने बड़ा पापी को मुक्ति मिली कैसे केवल भागवत कथा से मुक्ति मिली। इसका तात्पर्य है कहते अधिकारी कौन कथा सुनने का बोला अधिकारी वो है कहते बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार केवल ये श्रीमद् भागवत कथा से एक बार कोई श्रवण करे उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। सुनने का अधिकारी कौन बने पापी से पापी अगर कोई बोले हम क्या कम जानता हूँ सब जानता हूँ ये सब कथा बता सुनने का जरूरत नहीं है अरे सब पढ़ा लो सब पढ़ रखा मैंने सब सुनी सुनाई कथा कितना बार सुना। अगर कोई बोले उसके लिए उदाहरण क्या कहते सुखदेव गोस्वामी कहते सुखदेव गोस्वामी जैसे तुम इतने बड़े विद्वान नहीं हो जो कि मातृगर्भ से कहते जब प्रवर्जत मनु पेत भपेत कृतम वो जन्म होते ही जो 16 साल तक गर्भ में रहे और जन्म होते ही जो ब्रह्म ज्ञानी बनकर गए कहते मरी परिदृष्टि तो फिर नजगुण ने उत्तम श्लोक ले लिया वो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे व्यक्ति लेकिन भागवत का केवल एक श्लोक उसने तो उनको पागल बना दिया पूरा पूरा और उन्होंने पूरा के पूरा उन्हें छोड़ करके आए और पूरी भागवत कथा सुनी। यहाँ शिक्षा देते हैं भागवत कथा कौन सुन सकते हैं बोले पापी से पापी भी सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी। इसलिए कहते राम कथा जी सुनत अघाई रस विशेष ज्ञान सी। अगर कोई बोले अरे कितना सुनेंगे हम कथा सुनेंगे बोर हो गए कितना सुनेंगे इसका क्या मत समझो उसके अंदर में भक्ति का भाव नहीं प्रेम है ही नहीं क्योंकि भगवत कथा सुनकर जगत में कोई तृप्त होते ही नहीं। इसलिए जितना गुण किया क्या कहते और सुने और कथा को सुने और कथा को सुने कोई इसलिए कथा सुनने का अधिकारी कौन है कौन बोलो पापी से पापी ज्ञानी से ज्ञानी। इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर में चार कहते किसी ग्रंथ को करने चार विषय पर विचार करने चाहिए कल और तीन विषय पर हम विचार करेंगे ठीक है। ये भागवत कथा के सुनने का अधिकारी और बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय।